नमस्कार बच्चों, मैं संकेत कुमार हस्तकला प्रशिक्षक बिलकारी बिहार बाल भवन गया में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी को वॉल हैंगिंग सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको एक A4 साइज का कलर पेपर चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक A4 साइज का कलर पेपर। पहले इसको आप बीच से फोल्ड करेंगे। फिर इसका भी एक बीच से फोल्ड करेंगे, जो बीच वाला जो सेंटर आ गया उससे मिलाकर। इस सभी का पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं सब इक्वल होनी चाहिए, इसका बिल्कुल ख्याल रखेंगे। आप देख रहे होंगे कि जितने भी लाइंस हैं सब इक्वल्स हैं, सब बराबर हैं। इसके बाद आप इसको जिग जैग पोजीशन में मोड़ सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। आप घर पे इसका कभी पेपर का पंखा भी बनाए होंगे। ये इस तरह आपका ये पेपर से बन जाएगा। फिर इसको आप बीच से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर वाले भाग को बिल्कुल मिला लेंगे ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो सके। और इसके कॉर्नर पे एक मार्क करेंगे कर्व लाइन का यूज करते हुए। आप इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर आप एक यहाँ पे मार्क करेंगे। और इसको कट करके निकाल लेंगे। ये आपका ये कट जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। इसके बाद आप फेविकॉल से इसको पेस्ट कर लेंगे दोनों भाग। अच्छी तरह से पेस्ट होने के बाद आपको ये ऐसा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके साथ साथ आपको और चार भाग बनाने हैं। अब सबको ज्वाइंट कर लेंगे। ये सभी भाग को मैंने ऐड कर लिया हूँ फेविकॉल से। अब लास्ट वाले भाग को भी इस तरह से ऐड कर लूँगा और ये आपका ये ऐसा बन जाएगा। इसके लिए फिर आपको मैं लास्ट में फेविकॉल लगाना ही पड़ेगा। अब इसको ऐड कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से, सावधानी से, ताकि आपका ये
लांस मेंटेन रहे, ऊपर नीचे नहीं हो, ताकि आपका और सुंदर बन सके और ये ज्वाइंट हो जाए। आज का क्लास में मैंने आप सभी को ये वॉल हैंगिंग सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास में आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंजॉय किए होंगे। आप अपने घर को इस तरह से बना कर सजा सकते हैं, अपना स्कूल भी सजा सकते हैं, बहुत सुंदर बनेगा आपका घर, आपका रूम, आपका ड्राइंग रूम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे इस क्राफ्ट को बना कर सीख कर। तो कल की क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।